नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रंका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कृष्णा साड़ी के एक और फ्रेश कमाल वीडियो के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों के अंदर सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो भी भाई बहन अपनी दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, या माता बहनें जो भी छोटा मोटा अपना घर में बिजनेस चलाती है, तो उन सभी लोगों के लिए जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें, काफी हेल्प लेगी आपको इस वीडियो से। तो बेसिकली जो है मैं इस वीडियो के अंदर कुल 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी सेल्स को बढ़ाने में आपके काम आएंगे। आपका कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, आपका प्रोडक्ट भी लेके जाएगा और सेटिस्फाई भी होगा और रिपीट भी आएगा, मतलब दोबारा भी आएगा। तो चलिए वन बाय वन जो है इन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले लिया है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने चलाते हैं, बिजनेस की बात नहीं है, कोई भी काम अपने करते हैं उसके अंदर अपने को कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस से मतलब मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकली दुकान में कैसे अपन को कहाँ जरूरत पड़ती है। कस्टमर आता है अपने पास, अपन को जो भी वो डिमांड करता है कि ये प्रोडक्ट दिखे, अपना जो भी अपना प्रोडक्ट जो है उसे दिखाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को दिखाना ही नहीं, साथ में उसके बारे में कॉन्फिडेंस से बोलना भी है कि ये देखिए मैम, ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, मार्केट में कहीं भी नहीं है, बहुत अच्छे लगोगे, ये वो बोलना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा बीच में कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबा के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करते जरूर कर दीजिएगा। और दूसरा पॉइंट जो है मैं लेके चलता हूँ, कनेक्ट विद कस्टमर। तो कनेक्ट विद कस्टमर का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कस्टमर आता है न्यू, पहली बार आपके पास आपकी शॉप पर आता है, कि आप अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे जो भी वो डिमांड करेगा, तो उस कस्टमर के साथ कनेक्ट हुई है कि कस्टमर से पूछिए कि आप कहाँ से हैं, कौन से एरिया से हैं, और थोड़ा उसके साथ क्या है रिलेशन बनाने की, मतलब ऐसे थोड़ा जानकारी बढ़ाने की जो है कोशिश कीजिए, ताकि वो कस्टमर आपसे एक तरह से कनेक्ट हो जाए और अपना एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये आप अपने मतलब प्लीज़ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर इन पॉइंट्स को अपने मतलब प्रैक्टिकली अपने दुकान में या अपने ऊपर ज़रूर उतारें, फ़ायदा डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का मैंने पहले प्रैक्टिकल करके और ये पूरा मतलब पॉइंट एक एक करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा। तीसरा आता है कस्टमर टू कस्टमर। तो देखिए, जब भी अपने पास कोई भी अपना कस्टमर आता है तो कस्टमर से जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा बातचीत कीजिए उससे, कहाँ से है, कैसे है, तो फिर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई आ जाता है कि आपने उसने बताया कि मैं वैशाली नगर से हूँ या कोई भी एरिया का नाम बताया, तो अगर वैशाली नगर में आपका कोई दूसरा कस्टमर भी है ना, अगर आप जिसे जानते हैं, तो उसके बारे में जरूर बताइए कि अच्छा आप वहाँ से हैं तो वहाँ पे तो हमारा वो कस्टमर है वो हमारे से लेके जाते हैं, अच्छा आप वहाँ से हैं तो अच्छा उनके वो है रिश्तेदार है वो भी हमारे से लेके जाते हैं। तो इस वजह से कस्टमर में बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि कस्टमर सोचता है कि यार सभी यहीं से ले रहे हैं तो अपन को यहीं से लेना चाहिए, कुछ तो अच्छी बात होगी तभी सारे यहाँ से ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद में फोर्थ आता है पैकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास दुकान के अंदर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, कितना भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है, कितना भी अच्छा है, चाहे सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पैकेजिंग उसकी बिल्कुल भी अगर सही नहीं है, या आपने मान लीजिए जो थैली होती है पुरानी थैली में उसे पैकिंग कर रखा है अपने जो भी है दुकान में लगा रखा है, और आप कस्टमर को उस पुरानी थैली के अंदर दिखाते हैं ये देखिए ये साड़ी है या ये सूट है, तो बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप 1 रुपए की या 2 रुपए की थैली के पीछे जो है अपना पूरा प्रोडक्ट जो है जो वो पुराना शो कर देते हैं। तो चाहे थैली जो पैकिंग जो थैली होती है वो उसे हमेशा बदल के रखिए, हमेशा न्यू रखिए, चाहे वो कोई नई साड़ी हो, चाहे पुरानी साड़ी हो, सूट वगैरह कुछ भी हो, हमेशा नई थैली में जो रखिए, क्योंकि 1 रुपए की या 2 रुपए की थैली के पीछे पूरी मतलब प्रोडक्ट की जो है शान का सवाल हो जाता है। तो ये मतलब प्रैक्टिकल जरूर करके रखिएगा। और इससे क्या होता है कि ज़्यादा कस्टमर को खोल के भी नहीं दिखाना पड़ता, अगर आपके एकदम मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी थैली के अंदर, नई थैली के अंदर पैक करके आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप अपना प्रोडक्ट जो है सीधा कस्टमर के सामने रखिए, कस्टमर उसी के सामने सेलेक्ट कर लेता है, और मतलब एक आधा खोलने की जरूरत पड़ती है, सभी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ज़रूर उतार के देखिएगा। और पाँचवा आता है शॉप ओपन इनिशिएटिव। हाँ, तो और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपकी कोई भी दुकान है तो उस दुकान को आप टाइम टू टाइम जरूर रखें, मतलब अगर आप मान लीजिए सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं, 9 से शाम को 8 बजे तक ये आपका शेड्यूल है, तो कस्टमर जो है जब भी आपके पास आएगा तो उसे रहेगा कि हाँ ठीक है भाई, उनकी जो दुकान है कृष्णा साड़ी जो है सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 8 बजे बंद होती है। तो ये जो है अपना रेगुलर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी 11 बजे खोल रहे हैं, कभी 10 बजे खोल रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए कस्टमर आपके पास, कस्टमर को बताया कि आपने कह रखा है कि 9 बजे हमारी शॉप ओपन होती है, कस्टमर आपके पास आता है
9 बजे या फिर 9:30 बजे तो आपकी दुकान मिलती है बंद, क्योंकि आप उस दिन 11 बजे दुकान खोल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर को तो जो नीड है वो तो चाहिए चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आजकल तो पूरा कंपटीशन का ज़माना है, तो आपके पड़ोस में कोई भी दुकान खुली होगी तो वहाँ से जाके वो उस चीज़ को ले लेगा, और हो भी सकता है कि वो जो दूसरी दुकान पर जाए वो जो है उसे अपना कस्टमर लॉयल कस्टमर एक बना ले, तो वहाँ पे भी ये चीज़ नुकसान होती है। टाइम टू टाइम खोले और रेगुलरली खोले जितना हो सके, मतलब शॉप ओपन करें, छोटे मोटे काम के पीछे शॉप ओपन ना करें, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद में 6 पॉइंट आता है अपना ट्रस्ट। ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने कस्टमर को जो है मतलब एक विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप समझ गए होंगे। 7वां पॉइंट आता है अपना डोंट टेल अबाउट कंप्यूटर। ओके, तो देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए अपने पास कोई भी कस्टमर न्यू आता है, ठीक है, तो अपना अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, सिर्फ अपन अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, अपनी दुकान के बारे में बात करें, कोई भी दूसरी कंप्यूटिटर है या अपना कोई भी पास में शॉप है या कोई भी है, उसका नाम कस्टमर के आगे कभी भी मत लें, भूल के भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कस्टमर है, आप अपने कंप्यूटर को जानता है, हो नहीं सकता कि वो सामने आपका जो कस्टमर आपके सामने बैठा है वो भी इस बात को जानता हो, तो आपने जैसे ही नाम लिया कि हाँ ठीक है ये राम, जो भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राम जी की दुकान पे ये साड़ी नहीं मिलेगी आपको, ये उसकी दुकान पे ये साड़ी नहीं मिलेगी, मतलब कस्टमर सोच लेगा, अगर उसे नहीं पता है तो भी आप उसे बता देंगे कि हाँ एक और पास में दुकान है वहाँ पर भी साड़ियाँ मिलती है, तो ये गलती आप कभी भी भूल के ना करें। तो ये कुल 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, और प्रैक्टिकली आप उतार के जरूर देखिएगा अपनी लाइफ के अंदर, आपको डेफिनेटली जो है फायदा मिलने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में पहली बार बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, और अगर आप ऐसी कोई पॉइंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।